मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही काफी समय बचा है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते इंदौर में विधानसभा 3 में कांग्रेस के द्वारा हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान शुरू किया गया है, जिसमें अभियान के पहले दिन कांग्रेस नेताओं ने गाड़ी अड्डा ब्रिज पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर उनका पूजन किया। वहीं कांग्रेस की शिव भक्ति पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस शिव भक्ति के आधार पर पाखंड का काम कर रही है। इंदौर विधानसभा 3 में भाजपा कांग्रेस की शिव भक्ति पार्थिव का सबसे सारा पूरा अध्याय पार्थिव शिवलिंग के बारे में बताया। शास्त्र कहते हैं देव से महादेव की बात, अब हर हर महादेव घर घर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी से, निवेदन है धर्म कार्यक्रम है कांग्रेस नेता पिंटू जोशी की भक्ति पर भाजपा ने उठाए सवाल। बैठे अपने स्थान पर आप सभी के लिए शिव भक्ति के आधार पर पाखंड का काम कर रही है कांग्रेस। जी हाँ, भले ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में और काफी समय बचा है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस नेता अपने अपने जमीन को मजबूत करने में जुट चुके हैं। ऐसा ही एक नजारा मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में देखने को मिला है, जहाँ पर कांग्रेस नेता महाशिवरात्रि के पहले शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। बना लिया आपने, जिसको समझ नहीं आता तो उसे समझ लेना, और उनका बहुत सहयोग करें। ज्यादा बहुत रखें आपके पूजन में, संसार की मोड़ी चलता है, मन पे गागर करके पूजन करेंगे। ये जो विधान कराया जा मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलम गुरुमाधव महेश्वर सरस्वती धनुनादो सर्वकार्यासिद्धया। एक बार आप सभी श्रद्धालु निर्माण जो मंत्र बैठे भगवान का जय घोष करेंगे। मंगलानंद भगवान की पार्थिवेश्वर भगवान की कृष्णा को प्रणाम करने जा रहे हैं। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में कांग्रेस के द्वारा अब धार्मिक आयोजनों के जरिए पेट बनाने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा क्षेत्र 3 में भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय के द्वारा शुरू से शिव भक्ति के जरिए आम जनता को साधा जा रहा है। अब कांग्रेस भी उसी तर्ज पर घर घर तक पेट बनाने की तैयारी में है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे पिंटू जोशी ने विधानसभा में हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान का आगाज किया है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस के नेता विधानसभा क्षेत्र के 117 मोहल्लों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर उनका पूजन कराएंगे, और कांग्रेस नेताओं के मुताबिक शिवरात्रि के समय भक्तिमय माहौल रहता है और महिलाएं अपने घरों से निकलकर मंदिरों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए इस तरह के आयोजन उनके मोहल्लों में ही आयोजित कराए जा रहे हैं। आज यहां पर कार्यक्रम रखा गया, किस प्रकार का कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है इसका? जैसा कि विदित है कि शिवरात्रि हम सबके नजदीक ही है और भगवान भोलेनाथ जी की आस्था में अभी पूरा क्षेत्र डूबा रहता है, भोलेमय रहता है, शिवमय रहता है, तो उसी की श्रृंखला में हमने हमारे इंदौर के मध्य क्षेत्र क्रमांक विधानसभा 3 के सभी मोहल्लों में एक संकल्प लिया है कि हम भोलेनाथ जी की पार्थिव शिवलिंग निर्माण, साथ ही साथ में 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक का आयोजन करेंगे। और इसके पीछे विचार ये है कि हमारी माताएं बहनें सामान्यतः घर से नहीं निकल पाती है, तो क्यों ना हम उनके मोहल्ले में जाकर उनके घर के नज़दीक जाकर ये भगवान भोलेनाथ जी का कार्यक्रम करवाएं, जिससे उन्हें आसानी भी रहे और भगवान भोलेनाथ जी के प्रति जो उनका समर्पण और भाव है उसको भी वो कहीं ना कहीं अपनी भक्ति के रूप में दिखा सके।
तो आज चतुर्वेदी परिवार और हमारे क्षेत्र के जो सभी परिवारजन हैं उन सबके सहयोग से आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये पहला कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद हम हमारे क्षेत्र में 170 मोहल्लों में 160 मोहल्लों में ये आयोजन करवाएंगे। एक माह के भीतर ये आयोजन हम संपन्न कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हम सब पे बनी रहे, उनका आशीष उनकी छाया हम सब पर बनी रहे। उसी भावना के साथ उसी मनोकामना के साथ मैं आज के कार्यक्रम के लिए सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ और माताओं बहनों का विशेषकर जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ आकर अपना यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है। ओम नमः शिवाय। वही कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने भी निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय के शिव भक्ति और कांग्रेस की शिव भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस शिव भक्ति के आधार पर पाखंड का काम कर रही है। 3 नंबर विधानसभा में कांग्रेस ने घर 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 महादेव अभियान की शुरुआत की है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसके पहले भी आकाश विजयवर्गीय इस तरह के अभियान चला चुके और कांग्रेस उसी राह पर चल रही है। मुझे लग रहा है कि आकाश विजयवर्गीय जी और पिंटू जोशी के कार्यक्रमों का जो मूलभूत अंतर वो ये है कि आकाश विजयवर्गीय जी का कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक था और भगवान महादेव के प्रति आकाश विजयवर्गीय जी की स्वाभाविक श्रद्धा है और वो राजनीतिक पाखंड के रूप में और प्रोपोगंडा के रूप में महादेव का पूजन नहीं करते हैं। पिंटू भाई चूँकि अब उनको विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में आगामी उम्मीदवारी का अंदाज़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ को भी एक राजनीतिक उपकरण की तरह उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। यद्यपि हम इस बात की प्रसन्नता करते हैं कि किसी भी माध्यम से सही कोई भी देव आराधना करे वो अच्छी बात होती है, पर मुझे लगता है कि देवी देवताओं को पाखंड से और प्रोपेगेंडा से बचाया जाना चाहिए। आकाश विजयवर्गीय जी के देव से महादेव और पिंटू जोशी जी के घर घर महादेव हर हर महादेव के अंदर बहुत बड़ा मूलभूत अंतर यही है। बहरहाल भले ही भाजपा प्रवक्ता कांग्रेस और भाजपा की शिव भक्ति में अंतर बता रहे हों, लेकिन कांग्रेस के हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान में भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसके चलते महाशिवरात्रि के पहले ही शिव भक्त भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।